फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैंने बनाई है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब पापड़ी चाट, जो कि यूपी की फेमस है। अगर आप किसी भी चाट के ठेले पे जाते हैं यूपी में, तो वो ये चाट बना के जरूर देता है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और गाइस, ये मैंने बिल्कुल घर में बनाई है, होममेड चाट है। और देखिए, बिल्कुल भी लग नहीं रही कि ये आपने घर में बनाई है। तो अगर आपको घर में बनाने के आप शौकीन हैं, तो आप ये चाट बनाइए और सबको खिलाइए, सब बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं पापड़ी चाट। दही पापड़ी बनाने के लिए मैंने एक परात ले ली है, और साथ ही इसमें मैंने मैदा लिया है। मैदा मैं 2 कप लूंगी, 1 कप मैदा लिया, और उसके बाद 1 कप मैदा हम और ले लेंगे। और अब हम इसमें कैरम सीड यानी अजवाइन डालेंगे। पापड़ी बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी सूजी नहीं डालनी होती है। साथ ही नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और ये मैंने देसी घी लिया है, इसको हम 4 बड़े चम्मच डाल देंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें हमारा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा मुट्ठी बन रही है या नहीं बन रही है। सिर्फ हमें इसमें घी को मिक्स करना है, अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। आप चाहे तो देसी घी के अलावा रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसे मलेंगे। और मलने के लिए जो मैंने कप लिया था, वही 1 कप हम लेंगे, और उसी से हम इसमें मलेंगे। इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका कितना हमें नाप क्या लेनी है, और तभी आप इसका हमें बहुत बहुत टाइट डो नहीं लगाना है, नॉर्मल डो लगाना है, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ही ढीला डो लगाना है। तो चलिए अब मैं मलना शुरू करती हूँ। अच्छे से हमें डो को बिल्कुल भी समेटना नहीं है, बस हमें इसे एकजुट कर देना है। इसको एक सार करना है बस, इसमें हमें पानी मिक्स कर देना है, ताकि बहुत ज्यादा हमें इसको बिल्कुल भी मिलाना नहीं है, क्योंकि हमारी जो पापड़ी है वो थोड़ी क्रिस्पी करारी रहती है, तभी हमें अच्छा लगता है। तो इसे ठंडे पानी से ही हमें मलनी होती है, और इसको हम बस एक सार करके छोड़ देंगे मैदा को। इतने मैदे के डो लगाने के लिए हमें 1/4 कप के करीब पानी चाहिए होगा, 2 कप में 1/4 कप पानी, और 1 कप में आधे से थोड़ा सा कम। बस देखिए, हमारा आटा सिमट गया, और हमें बस इतना ही डो लगाना है कि बस आटा सिमट जाए हमारा। और देखिए, हमारा आटा सिमट गया है, और अब हमें इसको बिल्कुल भी रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, और इसकी हम छोटी छोटी इसी समय लोइयां कट कर लेते हैं। छोटी, जितनी आपको छोटी बेलनी है पापड़ी, उतनी छोटी पापड़ी की हम लोइयां तोड़ लेंगे। बाद में हम इसे गोल कर लेंगे, सारी पापड़ी की लोइयां इसी तरीके से हम तोड़ लेंगे। देखिए, मैंने सारी लोइयां तोड़ ली हैं, और जब हम इसको बेलेंगे
तब हम इसको गोल कर लेंगे अच्छे से और इसको रोल कर लेंगे। और बेलने के लिए हमने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इस पर हम अच्छे से बेल देंगे ताकि हमारी जो अच्छे से पापड़ी को आपको जितनी बड़ी रखनी है ये आपके ऊपर है, आप इसको बेल लीजिए। और जो पापड़ी है वो आप एक के ऊपर एक रख दीजिए, कोई ये चिप आपको ये लगेगा ये सब चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी ये पापड़ी। बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं चाहिए हमें और बहुत ज्यादा पतली पापड़ी भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम सारी पापड़ी तैयार कर लेंगे गोल करके। बहुत सारे बैचेस तैयार कर लेंगे ताकि उसके बाद ही हम इसको तलेंगे। इसको हमें फोक से हम इसमें छेद करते हैं, वो भी हमें नहीं करनी है। और ये बिना छेद के पापड़ी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी करारी बनके तैयार होगी। इसी तरीके से हम सारी पापड़ी बेल लेते हैं। देखिए मैंने सारी पापड़ी तैयार कर ली है और ये मैंने बैचेस भी बना लिए हैं। और अब हम देखते हैं, मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है और हम देखेंगे हमें मीडियम फ्लेम का तेल चाहिए बहुत ही कम, ताकि हमारी पापड़ी जो है वो अंदर तक पके और बहुत बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम की अगर तेल होगा तो हमारा जो पापड़ी है वो बहुत मुलायम हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत कम तेल चाहिए, जो बहुत ज़्यादा तेज तेल हमें नहीं चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा डाल करके देख लेते हैं तेल में। अब देखिए हमारा घी गर्म हो गया है और बहुत हल्का गर्म है, देखिए बहुत हल्के से ही ऊपर आ रही है जो हमारे आटे की गोली है। बस हमें इतना ही घी चाहिए ताकि बस हमारे जो बैच है वो धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएंगे, यही हमें इसमें डालना है। धीरे धीरे अपने आप ही अलग हो जाएंगे, देखिए सब अपने आप अलग हो जाएंगे। और बहुत हल्के हल्के ये सिक रही है तो इसका मतलब है कि ये क्रिस्पी और करारी बन जाएंगी। देखिए सब अपने आप अलग हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ये पकती रहेंगी वैसे वैसे ये अलग होती जाएंगी। इसी तरीके से हमें और डाल दिए, धीरे धीरे ये पक भी जाएंगे, इनको हमें धीरे धीरे पलटना है। जैसे जैसे ये धीमे धीमे आंच पे हमें बहुत हाई फ्लेम पे ये बिल्कुल भी तेल ऑयल गरम नहीं करना है। अगर हमें अपने जो पापड़ी है उन्हें क्रिस्प करना है तो इसे बहुत धीमे धीमे ही हमें, देखिए इसी तरीके से बहुत धीमी लो फ्लेम है हमारी गैस की, सब बिल्कुल अलग हो गई, देखिए बिल्कुल भी एक भी नहीं पापड़ी चिपकी। इसी तरीके से हमें इसे तल लेना है, हल्की सी लाल हो जाएंगी तभी हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया पापड़ी चाट लगती है और यूपी में तो जब आप चाट के ठेले पे जाते हैं तो ये एक अलग ही प्रकार की चाट आपको हमेशा मिलेगी और बहुत ही बढ़िया चाट बना के आपको मैं खिलाऊंगी। आप वैसे भी आपके कोई मेहमान आए तो उनके सामने आप इस तरीके से भी पापड़ी जो है उसको सर्व कर सकते हैं। ये भी पापड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्रिस्पी करारी पापड़ी। और उसके अलावा जब हम उसको चाट बनाकर उसको बनाते हैं घर में तो बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार होती है।
और झटपट सिद्ध है यार। और फिर होममेड चीजों की बात ही कुछ अलग है कि आपके हाथ की जब सब लोग तारीफ करते हैं तो फिर मन अपने आप ही खुश हो जाता है। जो अपने आप कुकिंग करते हैं उनका तो बस जब दूसरा कोई भी खा के जब खुश होकर तारीफ करता है तो उसकी मन दुगना हो जाता है कि उसकी मेहनत जो होती है वो बहुत खुश होता है। तो इसी तरीके से अगर आप भी खाना बनाने के शौकीन हैं तो नई नई चीजें ट्राई कीजिए, बढ़िया बढ़िया। और मैं यही चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीजें आपके सामने आपको वीडियो डालूं ताकि आप अच्छी से अच्छी चीजें सीख सकें और बढ़िया बढ़िया अपने घर पे सबको बना के खिला सकें। देखिए हल्की सी करारी होने लगी है, कलर भी आने लगा है। कुछ मैं मटके निकाल लेती हूँ जिनका कलर आ गया है। ये देखिए, ये मैंने पहले डाली थी जो बैच डाला था उसका कलर आ गया, उसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छे से निकाल लेना है ताकि बिल्कुल भी इसमें ऑयल ना रहे। एक प्लेट में मैंने नैपकिन लगा दिया था उसमें निकाल देते हैं हम इसे। और हमें सेकना लो फ्लेम पे ही है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे सेक लेते हैं तो ये मठरियां पापड़ी जो है ये क्रिस्पी या करारी नहीं होंगी। देखिए इसका भी कलर आ गया और अब हम इस पर भी निकाल लेते हैं। अच्छे से ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। और अब हमने एक और बैच डाल देते हैं इसमें। जैसे जैसे ये इसमें पकते रहेंगे वैसे वैसे ये बिल्कुल अलग होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी चिपके नहीं। उस समय ये लग रहा होगा ये सब आपस में चिपक जाएंगे मगर ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं। जैसे जैसे ये तेल में डिप करते हैं उसी तरीके से निकलती जाती है और अलग अलग होती जाती है। ना मैंने इसमें मोइन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, आपने देखा ना मैंने इसमें परोथन लगाया, अपने आप ही ये बिल्कुल अच्छे से अलग अलग होती जा रही है। बढ़िया लग रही है आप देखिए। और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है, ऐसा भी नहीं इसमें टाइम लगता। अच्छे से ये बन जाती है। आपके घर में किटी पार्टी हो, आपके घर में कोई भी पार्टी हो, बच्चों की पार्टी हो, आप ये करारी चटपटी चाट बनाइए, पापड़ी चाट, सब लोग खुश रहेंगे। देखिए कलर भी आ गया है अच्छे से। आप चाहे तो थोड़ा सा लाल और कर सकते हैं इसे। लीजिए अब हम इसे निकाल लेते हैं पेपर नैपकिन में। इसका एक्सेस ऑयल जो जितना है वो सब निकाल लेते हैं। सारा कढ़ाई में निकाल दें और इसी तरीके से हम अपनी सारी जितनी पापड़ियां हैं उन्हें तल लेंगे। ये मैंने तीसरा वेज डाल दिया। इसी तरीके से हम सारी पापड़ी तल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी पापड़ी तैयार हो गई है और आप देखिए पापड़ी कितनी कितनी करारी बनी है। आप कोई सी भी पापड़ी लीजिए कितनी आवाज आ रही है, बहुत करारी पापड़ी बनके तैयार हुई है। और आप इस टेक्निक से अगर पापड़ी बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया पापड़ी बनके तैयार होगी और बहुत ही करारी और क्रिस्पी होगी।
अब चलिए हम पापड़ी चाट बनाते हैं। पापड़ी चाट की तैयारी करने के लिए हमें दही चाहिए। दही हमें खूब गाढ़ा गाढ़ा और मीठा मीठा दही चाहिए। इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं, और अगर आपके दही में पानी हो या खट्टा हो तो उसको आप एक मलमल के कपड़े में छान लीजिए, और उसमें बिल्कुल भी जितना खट्टापन होगा वो सब निकल जाएगा पानी के रूप में, और थिक कर्ड आपके सामने आ जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया दही फिट रही है। और अब हम इसमें आधे चम्मच पिसी हुई शुगर मिला देते हैं और काला नमक मिला देते हैं। इससे हमारा जो दही है वो बहुत टेस्टी बन जाएगा जब हम इसको चाट में यूज करेंगे। लीजिए हमारा दही बनके तैयार हो गया। काला नमक बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। काले नमक से एक तो इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी हमारी पापड़ी चाट बनके तैयार होती है। लीजिए मैंने कुछ प्रिपरेशन की है पापड़ी चाट के लिए। उसके लिए मैंने मीठी चटनी ले ली है, हरी चटनी ले ली है, दही ले लिया है, और साथ ही कुछ अनार के दाने, कुछ सेव ले लिए, हरा धनिया, काला नमक, हींग जीरा पिसा हुआ, और सादा नमक और काली मिर्च का पाउडर। और चलिए अब हम बना लेते हैं। जो मीठी चटनी और हरी चटनी की जो रेसिपी है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। और बहुत ही बढ़िया चटनी बनके तैयार होती है, और इससे जो टेस्ट आता है हमारी पापड़ी चाट में बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए बनाते हैं पापड़ी चाट। पहले हम पापड़ी लगा लेते हैं, और अब इस पे सबसे पहले हम लाल चटनी डालते हैं। थोड़ा सा दही डालेंगे, दही से इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही मसाले डालेंगे, काला नमक, हींग जीरा, सफेद नमक हल्का सा डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर, और इस पे हम हरी चटनी डालेंगे, तीखी हरी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, और थोड़ी सी मीठी चटनी और डालेंगे। अब इस पे हम नायलॉन सेव डालेंगे, साथ ही अनार के दाने और थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए बनके तैयार हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब पापड़ी चाट, और देखिए बिल्कुल घर में तैयार है, और एक एक चीज बहुत ही टेस्टी है, और जब आप इसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल है ये जो चीज है। बस मन कर रहा है इसको उठाओ और तुरंत खा लो। और देखिए बिल्कुल घर में होममेड है, और इसको खाने से कोई भी बहुत हेल्दी है, बहुत ही हाइजीनिक है, और बहुत ही बढ़िया। तो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। थैंक यू।